for max understanding let's try to solve the set on our own and then watch the solution wish you all the very best give it your best तो एक बहुत ही बेहतरीन सर्कुलर अरेंजमेंट का सेट है जो हम सॉल्व करने वाले हैं आई एम होपिंग कि एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया क्वेश्चन समझ लिया और फिर आओ मिलके इसको सॉल्व करते हैं

मतलब थ्री पोजिशन टू द राइट टू पोजिशंस टू द लेफ्ट ये सब कुछ बदल जाएगा बिकॉज डिरेक्शन नहीं है तो अगर डिरेक्शन तेरा लेट्स से दोनों पॉसिबिलिटी हो तो क्वेश्चन अपने आप दो लेवल इंप्रूव हो जाता है या एक लेवल आपका इंप्रूव हो जाता है इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी ठीक है और सर्कुलर के अंदर सबसे मजेदार गेम यही होता है आइए देखें इस वाले क्वेश्चन को सबसे पहले एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर तुमने पॉसिबिलिटी मिस कर दी अरेंजमेंट में तो तुम गया खेल खत्म तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है अरेंजमेंट के अंदर पॉसिबिलिटीज को ध्यान से पीरो प्रॉपर तरीके से करना आपका पॉसिबिलिटीज मिस नहीं होने चाहिए हो सकता है इनिशियली आपको ज्यादा टाइम लगे ठीक है लेकिन वन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इस पॉसिबिलिटीज मिस नहीं करने हैं चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तो आठ पोजिशन बना लिए जाए ठीक है मैंने एक ही एक ही सर्कल बनाया है हो सकता है और बनाना पड़ेगा लेकिन पहले स्टार्ट तो कर लेते हैं ओके okay. एक जनरल चीज जो मैं सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर करता हूँ वो ये है कि भाई अब नॉम क्लेचर में डाल देता हूं नेमिंग कर देता हूं मैं पोजिशन की ताकि उनको समझना मेरे लिए आसान हो ओके okay. ऐसा आप भी कर सकते हैं क्लियर है आई एम होपिंग ये वाला समझ में आया होगा अब देखो यहाँ पे अपने पास जो इंफॉर्मेशन है उसको हम एक एक करके प्लेस करना शुरू करेंगे ठीक है अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दो तीन चीजें एक जहां से हमको रेफरेंस मिलेगा सर्कुलर के अंदर क्वेश्चन तो में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ये है कि भाई इंसान टुवर्ड्स द सेंटर फेस कर रहा है या ऑपोजिट फेस कर रहा है वो तो देखते हैं कि कोई इंफॉर्मेशन अपने पास है जो डिरेक्शन भी हमको दे, दे। आओ देखें

एंड बाकू फेसेंटर यह हो गया सबसे पहला इन्फॉर्मेशन जो हमने यूटिलाईज कर लिया ठीक है अब ये जैसे ही पता चला हमको यह भी पता चल जाएगा कि अका मारू एंडली विल बी फेसिंग आउटवर्ड्स एंड होपिंग भी समझ में आया होगा है कि नहीं अच्छा यहाँ तक अपने को क्लियर क्लियर समझ में आ गया ओनली टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन अका मारू एंड बात सिंपल बात है यहाँ लिखा हुआ है कि भाई बाकू डेस ऑपोजिट टू देंटर डॉट फेस ऑपोजिट टू देंटर मतलब और आकामारू एंड बास ऑपोजिट डिरेक्शन इसका मतलब आकामारू मस्ट बी पॉइंटिंग आउटवर्ड्स तो ये हो गया अपना सिंपल डिडक्शन सिंपल सिंपल डिडक्शन करेंगे अब देखो भाई अकामारू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ दीदरा Only two people are sitting within, बाकु। तो मैं को कहां -कहां डाल सकता बताओ तो मैंने एक ही डायग्राम के अंदर दो पॉसिबिलिटीज ली हैं। जब मेरे पास पॉसिबिलिटीज ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी तो मैं सर्क्यूलर एक और बना लूंगा ठीक है दोस्तों समझ में आया अब मल्टीपल मत बनाओ एक, एक से अगर थोड़ा बहुत

कि अब इन दोनों में से एक ही एक सिनेरियो लेके चलते हैं लेकिन ऑलवेज कि दूसरा सिनेरियो भी आपके दिमाग में एक्टिव रहना चाहिए क्लियर है तो मैं इसमें से अभी एक सिनेरियो लेके चल रहा हूं ठीक है तो अकमारू को मैंने यहां पे ले लिया इस वाले केस में आई एम होपिंग कि ये समझ में आया होगा ठीक है बिकॉज मुझे बाकी सारे इन्फॉर्मेशन क्या मिल रहे हैं रिलेटिव मुझे एब्सोल्यूट इन्फॉर्मेशन कोई मिल ही नहीं रहा है जिसको मैं यूटिलाइज करूं इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीबडी एंड तो कर लेते हैं देदरा। अब देख बहुत बात है भाई। देदरा, तो यहां से तीन पोजिशन एक दो तीन इधर है या फिर एक दो तीन यहां पे है तो हम देदरा को यहां ले लेते हैं अगर हम देदरा को यहाँ ले लेते हैं तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ देदरा का क्या मतलब हुआ देदरा का डिरेक्शन क्या होगा आउटवर्ड, इससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएंगी चीजें yes, no, एक बार फटाफट चैट के अंदर। तो का आपका ऑपोजिट आउटवर्ड डिरेक्शन में होगा है नहीं? देदरा क्या होगा आपका आउटवर्ड डिरेक्शन में होगा क्लियर है अब देखो देदरा को हमने प्लॉट कर दिया तो अका सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ देदरा वाला काम क्लियर हो गया देखो अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है तो ये वाला डायरेक्शन इसका राइट right होगा ये वाला डायरेक्शन इसका लेफ्ट होगा डू यू गाइस विद मी नॉट फटाफट बोल भाई थर्ड अब देखो यहां पे इसके लेफ्ट में तीन पोजीशंस कौन से होंगे रिमेंबर डी आई रिमेंबर आर के अंदर पैनिक करेगा तो इसको पता चल जाएगा फिर तुम्हारा सॉल्व नहीं होने देगा याद रखना ठीक है अगर तुम फॉर एग्जाम्पल तैर रहे हो और अचानक से डर लग गया तो बाहर आ जाओ ठीक है क्योंकि पानी को पता चल गया है कि तुम डर गया है तुमको डुबो देगा के, के केस में भी ऐसा ही है तो उसको पता चला कि तुम डर गया है लेफ्ट ऑफ फुगाकू अब देख एक सेकंड वाले पोजिशन पे तो दे दे है तो फुगाकू ऑटोमेटिकली कहां होगा यस yes, नो बोलेंगे एक बार फटाफट चैट के अंदर फुगाकू आ जाएगा तीन नंबर पे है कि नहीं

करेक्ट है ना भाई सिंपल बात है अच्छा एंड गारा इज नॉट द इमीडिएट बना सकते हैं भाई करेक्ट है ना गारा ऑफ गारा इज हिनाटा लेफ्ट ऑफ एरिमा की सेकेंड टू द लेफ्ट मतलब दो पोजिशन है तो बेसिकली अपने को दो पोजिशन वाला स्पेस कौन सा मिलेगा दो पोजिशन वाला अभी बताता हूं देखो ध्यान से अब देखो अपने पास देखो यहाँ पे हिनाटा और एरीमाकी के बीच में दो एक एक इंसान का गैप है है ना सेकंड टू द लेफ्ट मतलब कितना गैप हुआ सेकंड टू द लेफ्ट मतलब एक इंसान का गैप होना चाहिए तो बेसिकली अपने पास दो ही पोजीशंस हैं एक ये दो पोजीशंस हैं या फिर ये दो पोजीशंस हैं यहाँ पे या तो मैं फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से ले सकता हूं कि यहाँ पे मैंने ले लिया लेट से दो एक इंसान के गैप में अगर मेरे को लेना है तो मैं इस तरीके से ले सकता हूँ ठीक है हिनाटा द तो और और लेफ्ट और दो और पांच में ले ले yes, बिकॉज दो स्पेसेस छोड़ के मेरे पास दो और पांच का कॉम्बिनेशन बनता है करेक्ट और एक स्पेस छोड़ के एक गैप करके छठ का पोजिशन बनता है ये अगर कहीं कोई और पॉसिबिलिटी बनता है तो बता दो देख लो तुम्हारे सामने है। अब हिनाटा सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट हिनाटा का जो डिरेक्शन है ठीक है वो सेम है एज फुगाकू ठीक है तो क्या हम ऐसे कर लें कि यहां पे अगर हिनाटा ले लिया और यहां पे ले लिया एरीमाकी इस तरीके से ले सकते हैं या फिर उल्टा भी ले सकते हैं यस yes, नो बोलेंगे फटाफट चैट में इमीडिएट क्लियर है दोस्तों यहां तक समझ में आया तो बेसिकली अगर मान ले मैंने यहां पे हिनाटा ले लिया यहां पे एरीमा ले लिया

मैं एकदम अप्रोप्रिएट पेस पेस लिए चल रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए वो ज्यादा जरूरी है ठीक है क्योंकि यही क्वेश्चन नहीं आएगा है ना कौन सा कैट बनाने वाले नारूटो देख के बैठे हैं है ना तो हमने ये सेट बनाया वो कुछ और बनाएंगे बट द आइडिया इज कि एसेंस सेम ही रहेगा थॉट प्रोसेस सेम ही रहेगा सोचने का तरीका सेम रहेगा ठीक है अब गारा जो है गारा जो है वो एरीमाकी के साथ नहीं बैठ सकता है बिकॉज ऑब्वियस तो सी बात है कि यहाँ पे एरिमाकी नहीं ले सकते हैं हिनाटा लेंगे, यहाँ पे लेंगे। कितने लोगों को यहां तक खेल समझ में, एक बार में लिखा है कि इमीडिएट नेबर्स ऑफ एरिमाकी फेस द सेम डिरेक्शन तो यहाँ पे खेल हो चुका है हमारे साथ यस नोबल फटाफट चैट में गेम हो गया है क्योंकि तो एरिमाकी के दो जो नेबर्स है बाकू और और दूसरा इंसान जो है दे दे ये में कर रहे हैं, तो खेल हो गया है लेकिन घबराने की बात नहीं है जाएंगे। जो इंसान एक ही सिनेरियो सोचता है वो बहुत जल्दी फंस जाता है डीआईएलआर में स्पेशली अरेंजमेंट में लेकिन हमने पहले इंश्योरेंस लिया था नो बोल फटाफट ओ हो क्या बात है समझदार हो तो हैं तो इसका मतलब इंश्योरेंस पहले ही ले लिया था इस पर डालो भाई अकामारू किधर फेस करेगा बाहरी फेस करेगा अकामारू को डाल दिया पे यस नो बोल फटाफट चैट में तो पहला वाला केस क्यों कैंसिल किया समझ में आया कि नहीं फटाफट बोलो अगर तुमने गलत वाला केस उठाया तो तुमको वायलेशन दे देगा ठीक है है ना बट यू शुड बी क्विक इनफ टू चेंज रूट एंड बी एबल टू क्विकली यू नो प्रोसेस तो अब देखो बहुत सारी चीजें अब सिमिलर चलेंगी ठीक है अकामारू सिक्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ देदरा तो अब देदरा आ जाएगा इधर यस नो फटाफट चैट में क्लियर है कि नहीं

थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ देदरा है तो दे, अभी देदरा का क्या होगा इनवर्ट क्या राइट तो right हो जाएगा left, अगर थर्ड टू द लेफ्ट एक दो तीन, तीन पोजीशन पे देख रहा है अकामारू और इनवर्ट होगा यहाँ पे देदरा का पोजीशन ओनली टू पीपल बिटवीन अकामारू एंड बाकू एक सही है. बाकू सिट ये भी एकदम सही है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ फुगाकू मतलब फुगाकू का किधर होगा को यहां डाल दें, तो अपना काम हो जाना चाहिए। अब इस खेल में अगर मिलेगा चलिए प्रोसेस कर लेते हैं अब यहां तक हम लोगों ने डाल दिया चोजी सिट्स लेफ्ट गारा अब फिर से दो पोजिशन फिर से दो पोजिशन निकालो एक पोजिशन ऐसा निकालो जिसमें दो का गैप हो और एक पोजिशन ऐसा निकालो जिसमें एक का गैप हो ठीक है तो वो पोजिशन कौन से कौन से हम निकाल लेंगे देख एक पोजिशन पांच आठ मिल जाएगा और एक पोजिशन दो चार मिल जाएगा ठीक है दोस्तों एक बार फटाफट चैट के अंदर करेंगे दो चार वाले पोजिशन में अब हम क्या डाल सकते हैं दो चार वाले पोजिशन में एरिमा स्लैश हिनाटा हिनाटा स्लैश एरिमाकी फुगाकू के इमीडिएट नेबर में गारा नहीं डालना है तो भाई गारा आप कहाँ डाल दो पांच पे डाल दो गारा को और यहाँ पे क्या डाल दो गारा के साथ में कौन है चोजी है यहां तक समझाइए एक बार फटाफट चैट के अंदर कितने लोगों को समझ में आया। चोजी सिट्स थर्ड द लेफ्ट ऑफ गारा थर्ड द लेफ्ट ऑफ गारा मतलब गारा का पोजिशन गारा का डिरेक्शन बता थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ गारा मतलब गारा का डिरेक्शन बता इनवर्ट वो हो क्या बात है बहुत सही एंजॉय करके वो करेगा तो फंसेगा नहीं और अगर फंसेगा भी तो सीखेगा फ्रस्ट्रेट नहीं होगा अगर तुम बोझ लेके करेगा जल्दी फ्रस्ट्रेट होगा तो फ्रस्ट्रेशन नहीं आना चाहिए आपको एज अ लर्निंग कर्व देखो एंजॉय करो प्रॉब्लम को और जो छोटी छोटी, छोटी चीजें हैं उसको समझने की कोशिश करो कि क्यों कर रहे हैं वो जरूरी है मैं आके इसका सोल्यूशन दे दू उसमें मजा नहीं है जब तक तुम नहीं सीखेगा तुम एग्जाम में करेगा नहीं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हें करना है एंड ऑफ द डे दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो जैसे ही मैंने गारा का इधर डिरेक्शन ले लिया अब चोजी थर्ड द लेफ्ट ऑफ गारा गारा तो हमने Gara का पोजिशन यहाँ पे ले लिया अच्छा अब यहाँ पे अपने पास ये ये भी लिखा है कि हिनाटा फेस इज द सेम डिरेक्शन एज फुगा ठीक है एंड एरीमाकी इज नॉट एन इमीडिएट ऑफ गारा तो यहाँ पे हिनाटा होगा यहाँ पे एरीमाकी होगा यस नो बोलेंगे फटाफट चैट के अंदर क्लियर है दोस्तों

उसके बाद देखो चोजी का डिरेक्शन तो एरीमाकी का इनवर्ड है तो चोजी का क्या होगा आउटवर्ड होगा सारे पोजिशन मिल गए हैं और सारे के सारे इनवर्ड आउटवर्ड डिरेक्शन सब 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 रिमेंबर इट इज नॉट अबाउट इजी सेट डिफिकल्ट सेट इट इज अबाउट बिल्डिंग दैट कॉम्पिटेंसी ठीक है यहां तक आए मूपिंग की समझ में आया होगा और ये वाला सेट अपना सॉल्व हो चुका है ब्यूटिफुल सेट था मजा आ गया दी आई एल आर कंपेंडियम लिंक इज डिस्क्रिप्शन वहां से आप बाकी के questions भी करिए। हर रोज़ हम DILR का एक वीडियो शेयर करेंगे जहां पे आपको इन सेट्स का सोल्यूशन भी मिल जाएगा तो solve करते जाइए। चैनल एज वेल एंड मेक श्योर इट विद एज मेनी एस्पिरेंट्स एज पॉसिबल हंड्रेड लेफ्ट टू कैट and if you want to start your preparation in a personalized manner you can start with mbl it must the link is there in the description also there is a dilr workshop coming up if in case you are facing difficulties only with dilr you can join this very amazing workshop with sudhanshu sir on 25th of august and that is also around the corner so do make sure that you book your seats and make sure that you are there for an amazing amazing dilr experience god bless bye bye